Hello everyone, welcome back to O2 IAS Academy YouTube channel. So today I am here with one new topic in our Polity Bytes series. So today's topic is schedules, which all of us know कि ये important है. And इस lecture का अगर आपको PDF चाहिए आप हमारा YouTube channel subscribe कीजिए. साथ में Telegram channel O2 IAS Academy के name से आप उस पर जाके भी इसकी PDF को ले सकते हैं. साथ ही आप हमारे एक O2 IAS ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको इसका PDF तो मिलेगा, साथ में ही और भी स्टडी मटेरियल, वीडियोस, बाकी सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़, HP सबके रिलेटेड आपको मिलेगा. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ लेक्चर. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्केड्यूल्स के ऊपर, जो हम सब पढ़ते हैं. फाइन, हम सबको उसके बारे में पता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत डिफेक्ट्स हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं. सो जो पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ स्केड्यूल, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों? जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, बुक्स में एंड में एक अपेंडिक्स होता है, ठीक है, टेबल्स होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? सो बेसिकली जब स्केड्यूल्स बनाए गए थे उसका मेन मोटिव ये था कि जो आर्टिकल्स हैं उनको हम ज़्यादा डिटेल में ना करें, उसके रिलेटेड अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्केड्यूल को रेफ़र कीजिए, ठीक है. इसको कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा गहरा राज नहीं है कि क्यों स्केड्यूल्स को अलग बनाया गया, बीच में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया, आर्टिकल्स के साथ क्यों नहीं लिखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा बल्कि ना करने के लिए, बिकॉज अकेले स्केड्यूल जो है 100 पेजेस के अराउंड है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हमारा काफ़ी बल्कि, अगर इनको भी बीच में डाल देते तो इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू स्केड्यूल हम सबको एक नॉर्मल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जो हम सुनते हैं या हम कभी पढ़ते हैं तो हम इसको हमेशा टेबल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं कि स्केड्यूल 1 क्या है, स्केड्यूल 2 क्या है, ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अपेंडिक्स और लिस्ट ऑफ टेबल. बट अभी क्या हो रहा है कि बहुत साइंटिफिक टर्म्स या जो उनके डेफिनेशंस हैं जो मेंशनड हैं वो आपके एग्जाम्स में आ रही हैं, ठीक है. सो उसके लिए जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है स्केड्यूल के लिए, दैट इज़ कैटेगराइजेशन एंड टेबुलेशन लिस्ट ऑफ पॉलिसी एंड ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी. इसमें पॉलिसीज़ जो बनेंगी उसके लिए भी और जो ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के लिए जो पूरा टेबल्स बना है, लिस्ट बना है, उन सब चीज़ों में ये स्केड्यूल्स का प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है जो मैंशनड है. सो इसको बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज अभी बहुत डायरेक्ट साइंटिफिक या बिल्कुल डीप एनालिसिस पे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं. फाइन, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक प्रेसिडेंट हूँ या आप एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आपको ये पता करना है कि मेरी सैलरी क्या है, ठीक है, कहाँ से इसको कंडक्ट किया जाएगा, जो भी इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है तो आप क्या कीजिए, आर्टिकल्स में तो ठीक है आपको पता लगेगा, लेकिन उसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा, सेकेंड स्केड्यूल में. तो आप जाइए, सेकेंड स्केड्यूल खोलिए, उसमें आपको पता लगेगा कि उसके रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है इट विल ऑल बी मैंशनड इन द स्केड्यूल 2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पे जो हमारे स्केड्यूल्स थे वो थे 8, ठीक है. सो वी हैव ओरिजिनली 8 स्केड्यूल्स, बट नाउ आज के डे में वी हैव 12 स्केड्यूल्स. ओके, सो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, तो उसमें शेड्यूल 9 ऐड हुआ था. अब ये कौन कौन से शेड्यूल्स हैं हम आगे लेक्चर में देखते जाएंगे. देन सेकेंड अमेंडमेंट, देन अमेंडमेंट हुआ था 52nd अमेंडमेंट, दैट इज़ 1985 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, ऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती है उसमें सारी अमेंडमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में ज़रूर आपको देखने के मिलेंगी, इसलिए इसको आप आज से प्रैक्टिस में डाल. फाइन, तो 52nd अमेंडमेंट से हमारे साथ ऐड हुआ था स्केड्यूल 10, स्केड्यूल 11 हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, स्केड्यूल 12 हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में. ओके, तो इनमें क्या हमारी डिटेल्स हैं हम आगे लेक्चर में देखेंगे. सो इसके लिए एक छोटा सा, ये वैसे जब भी आपने स्केड्यूल्स पढ़ा होगा ये बहुत नॉर्मल सा एक निमोनिक है जो हम सबको पता होता है, बट फिर भी अगर हम लेक्चर ले लें तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, बिकॉज कभी आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो आता है उसके सिक्वेंस वाइज में, स्केड्यूल 1 से स्केड्यूल 2 तक आपको सारा याद होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है, बिकॉज अगर आपको एक वर्ड भी याद रह जाता है तो आप उस चीज़ को आंसर में यूज़ कर सकते हैं. फाइन, सो व्हेन इट कम्स टू टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, सो टी इज टेरिटरीज, ई इज एमोलमेंट्स, ए एफॉर्मेशंस, आर राज्यसभा, एस शेड्यूल एरियाज. ओके, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 शेड्यूल 1 से लेके 5 तक इसमें मेंशन है. देन इट इज़ अदर शेड्यूल्ड एरियाज एंड फेडरल स्ट्रक्चर. देखिए जो शेड्यूल 5 है दैट इज शेड्यूल्ड एरियाज, 6 में हम लेते हैं अदर शेड्यूल्ड एरियाज, इसमें क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखते हैं. F इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर, OLD दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन, दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन से मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ. देन P इज पंचायत एंड M इज म्यूनसिपैलिटीज. ओके, अब हम इनको आगे डिटेल में देखते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट विद द शेड्यूल वन, जब हम आर्टिकल वन भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं, दैट इज इंडिया, दैट इज यूनियन, ओके, यूनियन ऑफ द स्टेट्स. तो उन्हीं स्टेट्स की क्या टेरिटरी है, किस टेरिटरी को, जो उनका नेम और जो टेरिटरी को उसमें डिफाइन करता है, वो हम जब शेड्यूल वन के साथ पढ़ेंगे. स्टेट्स और टेरिटरी का जो हमारा एक्सटेंशन टोटली ये एक्सप्लेन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो शेड्यूल वन में है. जब हम आर्टिकल वन भी पढ़ते हैं उसमें भी क्लियरली लिखा गया एज मेंशन्ड इन शेड्यूल वन. ठीक है, जैसे कि हमने तेलंगाना बनाया, ठीक है, अगर तेलंगाना बनाया उसमें शेड्यूल वन को भी अमेंड किया जाएगा. ओके, व्हेन उसमें दो पार्ट्स है. सेकंड ये तो हमने पढ़ा स्टेट्स के रिलेटेड, व्हेन इट कम्स टू सेकंड यूनियन टेरिटरीज का भी पार्ट है. फाइन, तो जो भी हमारे स्टेट्स और यूटी को लेके, उनके टेरिटरीज को लेके, उनके नेम्स को लेके जो भी चेंजेस होंगे वो हम सारा जो उनके रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल वन में. फाइन, देन इट कम्स टू द शेड्यूल टू. शेड्यूल टू में मैंने आपको बताया कि एमोलमेंट्स जो हमने ट्रिक में पढ़ा. अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे. ओके तो जब आपको शेड्यूल टू के बारे में आपको कभी याद रखना हो तो आप क्या कीजिए, आप याद करिए उस टाइम पे, थिंक ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी. ठीक है, बिकॉज शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री में आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. सो जस्ट थिंक ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ आर गवर्नमेंट. ये तो आप सबको पता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, तो एमोलमेंट्स, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस किसके शेड्यूल टू में इंक्लूडेड हैं वो आपको यहाँ से पता लगेगा. ठीक है, तो जब हमारी बात आती है एग्जीक्यूटिव को लेके तो हम क्या करेंगे, हम इसको, जब हम इन तीन ऑर्गन्स को देखेंगे, हम यूनियन और स्टेट इन दोनों में देखेंगे. ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू यूनियन तो एग्जीक्यूटिव में हमारा क्या आया, इट इज प्रेसिडेंट. व्हेन इट कम्स टू द स्टेट हमारा आया गवर्नर. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, जब लेजिस्लेचर की बारी आती है तो हम किसको पढ़ेंगे, जब बात आएगा यूनियन का, देन इट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. लोकसभा, राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये हमने किस में पढ़ा, यूनियन में, लोकसभा एंड राज्यसभा. सेम विल बी अप्लाइड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. फाइन, व्हेन इट कम्स टू द ज्यूडिशरी, दैट इट इज सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस. ठीक है, सो दिस इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी, और प्लस जो हमने याद रखना है दैट इज कैग. ओके, सो कैग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द शेड्यूल टू. इनके जो एफॉर्मेशन, अलाउंसेज, सब कुछ है, सॉरी, इट्स अलाउंसेज, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स जो है हमारे शेड्यूल टू में मेंशन्ड है. सो ये आपको तीन, ये चीज़ें आपको याद रखने के लिए, ये सिंपल सा फैक्ट है इनको याद रखने के लिए, बिकॉज जब आप लास्ट में इनको रिवाइज करेंगे या कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट कन्फ्यूज बिटवीन शेड्यूल टू एंड शेड्यूल थ्री कि किस में क्या है. सो शेड्यूल टू को याद रखने का बड़ा सिंपल सा एक तरीका यही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके तीन ऑर्गन्स हैं, तीन यूनियन और स्टेट को उठाइए, यूनियन में क्या एग्जीक्यूटिव है, वैसे ही स्टेट में आएगा, प्लस आपको क्या याद रखना है. ओके, अब इनमें जो मेंशन्ड है, इनका जो सैलरीज है, अलाउंसेज है, वो कहाँ से चार्ज होता है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बट इसमें एक चीज़ आप याद रखें, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है उनका जो सैलरी है, सी दीज आर द पॉइंट जो आपको क्वेश्चंस, जो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ज़रूर कंफ्यूज करेगा. ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स जिसमें आपको लगेगा कि नहीं यही से शेड्यूल टू पढ़ा हमने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ा, वी विल मार्क्स. अगर आपको ऑप्शन में आता है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, यू विल मार्क राइट. ओके, बट देयर इज एक्सेप्शन हेयर, एंड द एक्सेप्शन इज कि जो हाई कोर्ट की जजेस की सैलरी होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होगी. And this is really very very important point. Okay, and when it comes to the pension of the judges, judges की pension जो mark होती वो कहाँ से होगी, consolidated fund of India. So this is the important point, इस पर आप ध्यान रखिए. And vice president is not the part of a schedule two. This is also trap. ऐसा ना हो कि आप president रखे हो साथ में vice president भी डाल दीजिए, because vice president के साथ आपको याद रखना है, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, ये राज्यसभा के chairman के साथ associated है. Okay, so नाउ हेयर कम्स द शेड्यूल थ्री. इसमें हमने पढ़ा ओथ्स. जब भी हम कोई पोजीशन ग्रैब करते हैं, मतलब हम किसी भी सीट में बैठते हैं, देन वी हैव टू टेक ओथ. ओके, सो ये ओथ एफर्मेशंस ये किस में मेंशन्ड है, ये भी शेड्यूल थ्री में ही मेंशन्ड है. ठीक है, सो अब ओथ कौन लेगा, सो यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स. ओके, MP, MLA, MLC, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन वही लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमने पीछे भी पढ़ा, दैट इज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैग. ओके सो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। इसमें भी सेम वही ऑर्गन्स है, बट उसमें हमने प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स करा था, इसमें यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स ही ओथ हमारे लेंगे, ठीक है। सो इन सब की जो अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव करता है, इनको जो पावर देता है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। एज पर ओथ जो है हमारी प्रेसिडेंट की वो मैंशन है आर्टिकल 60 में, ये हम बाद में भी डिटेल में करेंगे व्हेन इट कम्स टू द, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। सी मार्क हियर पॉइंट की जैसे ये प्रेसिडेंट गवर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी मच थॉरो विद द प्रेसिडेंट का हर एक आर्टिकल। सो वील डिस्कस इट इन लेटर, ओके। देन इट कम्स टू द शेड्यूल 4। आपको पता है कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एंड दिस इज द परमानेंट हाउस, ये आप सबको पता है, ठीक है। सो इसकी जो कितनी सीट्स हमें एलोकेट होगी ये मेंशन है शेड्यूल 4 में, जब हमने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पढ़ा था। आर इज फॉर राज्यसभा, ओके। सो एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज। क्या सभी यूटीज राज्यसभा में पार्ट है? नो, आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, बट ये अभी इसमें डाल के हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन वी विल कम टू द डिटेल्ड आगे चैप्टर्स में, हम जैसे सीरीज में बढ़ते जाएंगे उसमें आई विल एक्सप्लेन यू विद ऑल द थिंग्स, ओके। सो मैक्सिमम मेंबरशिप हमें जो अलॉटेड है राज्यसभा में दैट इज 250 सीट्स। करंटली वी आर हैविंग 245 मेंबर्स, ठीक है। नाउ 233 जो हमारे इलेक्टेड आते हैं, 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। सो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियंस होते हैं, बट ये कंसेप्ट अभी के अमेंडमेंट से हटा दिया गया है, ठीक है। तो शेड्यूल 4 इज फॉर राज्यसभा। नाउ नेक्स्ट कम इज द शेड्यूल 5, ठीक है। शेड्यूल 5 में हम पढ़ेंगे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इसमें हम शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अब एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, सिर्फ अपने आप को याद रखवाने के लिए, कि शेड्यूल 6 में जो मेंशन है दैट इज ओनली ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरियाज, ठीक है। एंड शेड्यूल 5 में और एरियाज भी हैं जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यू शुड नो कि कौन से स्टेट्स हैं कि नहीं, और जो यहाँ पे एक्सेप्शंस वाले स्टेट हैं दीज आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 6, ठीक है। सो अब इनके फीचर्स क्या हैं, हम इनके फीचर्स देखते हैं। शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कौन कर सकता है? शेड्यूल एरिया को जो डिक्लेयर करेंगे वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही इसके एरिया को डिक्रीज, इंक्रीज या किसी पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया के टैग से भी हटा सकते हैं, ठीक है। हर एक शेड्यूल एरिया का अपना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा जो पर्टिकुलर उस एरिया के जितने भी मैटर्स हैं उनको देखेगा, ठीक है। जब हमारा अब इनमें एक्सेप्शंस क्या है कि जब भी जो शेड्यूल एरियाज हैं, मान लो पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लॉ को इस शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड करेगा गवर्नर। अगर अप्लाई करना है, अगर मान लो गवर्नर डिसाइड करता है कि हमें इस पर्टिकुलर लॉ को इसमें अप्लाई करना है, तो क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अभी कुछ कमीशंस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 कमीशंस आपने याद रखने हैं जो 5th शेड्यूल के साथ एसोसिएटेड, दैट वन इज़ UN देवार कमीशन जो 1960 में बना था, एंड दिलीप सिंह भूरिया कमीशन दैट इज़ 2004। से ये कमीशंस आपको बहुत डिटेल में नहीं पता होना चाहिए कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर सिटिंग इन द प्री, हो सकता है कभी किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के काम आ जाए, या व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस तो उसमें किसी कमीशन को आप कोट कर सकते हैं, दिस विल मेक योर आंसर्स इफेक्टिव, ठीक है। तो ये कुछ कमीशंस हैं जो आप साइड वाइज एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ देखते रहेंगे, तो इट विल हेल्प यू ओनली, ओके। सो इसमें आपको समझ में आ गया। नाउ विल प्रोसीड टू द सेकेंड शेड्यूल दैट इज शेड्यूल 6, ठीक है। अभी जो हमने लास्ट शेड्यूल 5 में पढ़ा था दैट इज दिस, हमने एक्सेप्ट में डाला था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नाउ शेड्यूल 6 इन्हीं एरियाज़ को उठाता है, दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको याद रखने के लिए आप रखिए ATM मशीन, कुछ लोग वो भी करते हैं ATM स्क्वायर, मतलब कुछ भी, जैसे भी आपको याद रहता है आप उस पर्टिकुलर चीज़ को याद रखो। मेन फोकस है आपको याद रहना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन आपके सामने आए आप इसको क्रैक कर सकें, ठीक है। अब इस चीज़ को शेड्यूल 6 के इन एरियाज़ को इसमें क्यों रखा गया, इसकी ज़रूरत क्या है? सिर्फ सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इन एरियाज़ का अभी भी वही कल्चर है, अपना एक कल्चर है, कस्टम्स है, एक अपनी अलग सिविलाइजेशन है, बिकॉज ये एरियाज़ पहले की पॉलिसीज़, आप बोल सकते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से बिल्कुल आइसोलेटेड थे, ठीक है। तो इनके अंदर वो डेवलपमेंट या जो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो अभी उतना नहीं आ पाया है, ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि गवर्नर विल डिसाइड कि कौन सा मैटर कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट विल स्पेसिफाई कि एरिया शेड्यूल एरिया है कि नहीं है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द शेड्यूल 6, तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखना है, इसमें भी गवर्नर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर, बट देयर इज एक्सेप्शन व्हेन इट कम्स टू द असम पावर, ठीक है। जब असम की बात आती है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये पार्लियामेंट के एक्ट्स को देखते हैं कि अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू द स्टेट वाला एक्ट तो इसमें जो है गवर्नर डिसाइड करेंगे कि स्टेट वाला जो एक्ट है किस मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा। बाकी इसमें भी सेम है, व्हेन इट कम्स टू द मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पार्लियामेंट एक्ट लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड स्टेट लाइज विद द गवर्नर। असम में केस में दोनों गवर्नर ही देखेंगे, जैसे हमने पिछले शेड्यूल में भी देखा था। एंड व्हेन इट कम्स टू द मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसमें देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अभी एक जो सबसे मेजर आपने इन दोनों शेड्यूल्स में डेफिनेशन या जो डिफरेंस याद रखना है वो है पैसा एक्ट के रिलेटेड, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। इसमें शेड्यूल 6 में एप्लीकेबल नहीं है, बट शेड्यूल 5 में भी सारे एरियाज में नहीं है। शेड्यूल 5 में भी 9 ही ऐसे स्टेट्स हैं, 9 ही ऐसे एरिया जिनमें ये अप्लाइड है, बट शेड्यूल 6 में कहीं पे भी अप्लाई नहीं है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि शेड्यूल 6 के अपनी एक काउंसिल होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, और यही इनके अंदर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं जो इन सब पावर्स को फिर मैटर्स को कंट्रोल करती है। जैसे कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि असम के अंदर है 3, मेघालय के अंदर भी 3, त्रिपुरा 1 एंड मिजोरम 3। मीन्स या तो आप रख ही सकते हैं 3 3 3, ओके। बाकी आप इनको याद रखेंगे तो आपको कुछ चीज़ है, बिकॉज ये कुछ भी है, किसी में ट्राइब्स हैं, किसी में हिल्स के नेम है, सो आप ये देखना, ठीक है। बट ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और नाम क्या है इन काउंसिल्स के। सो व्हेन इट कम्स टू असम तो 3 है, दैट कार्बी एंगलॉग, बोडोलैंड, नॉर्थ खाजर के हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स। मेघालय में है खासी, जयंतिया, गारो। त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम है चकमा, मारा एंड लाई डिस्ट्रिक्ट। तो आप एक बार ये भी देख लेना कि ये कौन से ट्राइब्स हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा ही पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। सो इन बिकॉज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, इनकी अपनी एक काउंसिल है, इसमें पैसा एक्ट अप्लाई नहीं होता है। एंड इसको याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पीछे एक पॉइंट बताया था कि हाई कोर्ट के सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होती है, पेंशन कहाँ से होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर देते हैं, हम लोग मिस कर देते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि कभी ये ऑप्शंस में आ जाता है और हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये सही ही होंगे, ठीक है। सो दीज आर द वेरी स्मॉल टॉपिक्स, तो आपने ध्यान रखना है कि शेड्यूल 6 में पैसा एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नाउ शेड्यूल 7, हमारा इंडिया कैसा है, फेडरल कंट्री, तो उस फेडरल को जो डिस्क्राइब करेगा वो है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर्स इंडिया में कैसा है, वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जो एक्सटेंस पावर है, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाने का। व्हेन इट कम्स टू स्टेट लिस्ट, एक्सक्लूसिव पावर है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। व्हेन इट कम्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट, तो पूरी पावर है हमारे सिर्फ और सिर्फ दोनों के पास, दैट इज पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। बाकी कब किसका ओवररूल करेगा, अगर मान लो कुछ कोलिजन हो गया, किसी का दोनों का एक अलग कोई रिफ्ट आ जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशंस। उसमें हम देखेंगे कि कभी ऐसा हो जाए कि यूनियन ने भी एक पे लॉ पास किया, स्टेट ने भी पास किया, तो उसके आगे फर्दर क्या प्रोसेस है। फाइन, अभी आप इसमें ये याद रखिए कि शेड्यूल 7 देता है हमें 3 लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में थे 1907, नाउ इट इज़ 98, 66 थे स्टेट लिस्ट में, नाउ इट इज़ 59 एंड ओरिजिनली दैट इज़ 47 एंड दैट इज़ 52, ओके। नाउ हेयर कम्स द शेड्यूल 8, दैट इज़ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जब कौन सी लैंग्वेज है हमारी जो है, इसमें एक बहुत पॉइंट अच्छा याद रखिएगा कि दैट ये टर्म करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात आई तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें था 14, नाउ इट इज़ 22, ठीक है। इसमें एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि जब हमारी बात आती है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, हम सबको बचपन से रटा है कि इट इज़ हिंदी, बट ये गलत है। हिंदी इज़ नॉट आर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज़ आर ऑफिशियल लैंग्वेज, बिकॉज अभी तक एज सच हमारे पास कुछ भी नहीं है कि जिसको हम नेशनल लैंग्वेज टर्म कर सकते हैं। हिंदी इज़ ऑल्सो आर वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके। नाउ देयर जब 14 थी उसके बाद जो कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये अमेंडमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे आपको इस बार HSP में भी क्वेश्चन आया था, आप नॉर्मली कभी UPSC का भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस में कौन सी अमेंडमेंट आई थी। सो व्हेन इट कम्स टू दिस 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सिंधी ऐड की थी, ठीक है। 71st में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एंड 21 + 71 इज इक्वल टू 92, 92 अमेंड में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप कैसे याद रखेंगे, निमोनिक्स बनाइए, ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट 21 और 71 प्लस 92। एक तो ये आपको अमेंडमेंट आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईयर्स आपको याद रखने हैं, कौन सी लैंग्वेज किस में ऐड हुई थी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड एक हुआ था जो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुई थी, उसमें कुछ भी नहीं था, उड़िया की स्पेलिंग पहले ये थी अब उड़िया हो गया है, ठीक है। सो दीज आर आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके। नाउ हेयर कम्स द शेड्यूल 9, जो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी हुई थी 1951 में, उसमें शेड्यूल 9 ऐड किया गया था। और उसका एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे लॉज जिनको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके, ठीक है। सो ये कब किया था हमने 1951 में, जैसे कि उस टाइम पे था हमारे पास एक लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, कि अगर पार्लियामेंट उस पर कोई लॉ बना देती है तो जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती। और जो केस जिसके बाद इस शेड्यूल 9 को अपहेल्ड किया गया था या जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आया गया था, दैट वॉज शंकरी प्रसाद केस। अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शंकरी प्रसाद केस हो गया, केशवानंदा भारती केस हो गया, I.R. कोहलो केस हो गया, होलन केस हो गया। ये कुछ केसेस हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, पिछले लेक्चर में भी बोला कि आप एक कहीं पे पर्टिकुलर एक केस को लेकर उसका नोट्स बनाते जाइए कि किस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्या क्या अपग्रेडेशंस हुई हैं, बिकॉज एंड में आप सोचेंगे वो थोड़ा टफ हो जाएगा, बट अभी विद पैसेज ऑफ टाइम आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अगेन मेन्स में भी और प्रीलिम्स में भी, ठीक है। सो बट I.R. कोएल्हो केस हुआ था 2007 में, जिसमें शेड्यूल 9 को जुडिशियल रिव्यू के अंडर भी कर दिया गया था। सो ये दो केसेस एंड शेड्यूल 9 में क्या था कि लॉज को जुडिशियल रिव्यू से अलग किया गया था, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द शेड्यूल 10, जो हम बार बार न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, ये कहीं ना कभी चलता ही रहता है जब भी हमारे सेशन शुरू होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका अमेंडमेंट याद रखिएगा, दैट इज़ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ वो है कि किस चीज़ में हम डिफेक्शन लॉ लगा सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप दे देता है तो उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, जब भी कोई सेशन होता है कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस है, लेकिन बाकी चीज़ों में विप मतलब वो अपने मेंबर्स को ये बताएगा कि आपने किसके लिए वोट करना है। मान लीजिए किसी मेंबर ने उस पर वोट नहीं किया या वोट करने से मना कर दिया, या जो डायरेक्शंस एक पॉलिटिकल पार्टी ने या विप ने हमें दी थी वो मानने से मना कर दिया, तो उस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा, ठीक है। देन थर्ड, मान लो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है जो इलेक्ट हो गया है, ठीक है, उन्होंने उसमें इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली उसमें भी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा। थर्ड लास्ट वन इज, मान लो कोई मेंबर नॉमिनेट हुआ था, उनके पास टाइम होता है 6 months का कोई पार्टी को ज्वाइन करने का, अगर उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा। तो अब इसमें ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, साथ में आपको याद रखना है कि इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर वाला पार्ट है दैट इज़ आफ्टर द एंड ऑफ 6 months, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। बट इसका कौन ये फाइनल डिसीजन किसका होगा कि ये जो हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ है ये सही है गलत है, कौन इसका डिसीजन मेकिंग पावर, दैट इज द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस, ठीक है, क्योंकि दिस इज स्पीकर और इसमें आएगा चेयरमैन। तो कौन किस में अप्लाई करेगा, फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द हेड ऑफ द हाउस एंड दैट इज स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अगेन हेयर सम कमेटीज जो हमें फिर से याद रखने हैं, दैट इज वन इज दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990। सी ये कुछ ऐसी चीज़ें कमेटीज़ हैं जो आपको नॉर्मली बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी, बट ये अभी जो हम जिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारा वाइड एरिया अब एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, उनमें ये सब चीज़ अब इंक्लूड हो रही हैं। सो यू हैव टू टेक अ टैप ऑन दिस, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले भी कोट किया कि हो तो होलन केस 1992 में कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा। सी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर क्या आता है क्या नहीं आता ये आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले ये केस से पहले क्या था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर देंगे उसके ऊपर कोई वो जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, बट दिस इज द पर्टिकुलर केस इन 1992। आफ्टर दिस जो डिसीजन मेकिंग पावर था प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूल 11, ये हम लोगों को सबको याद होता, दैट इज़ रिलेटेड टू द पंचायत्स एंड कौन से अमेंडमेंट से आया था, दैट इज 73rd अमेंडमेंट 1992, ठीक है। इसके अंडर 29 मैटर्स हैं जिसके ऊपर हम इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं. सो ये किससे ऐड हुआ था? दिस इज 73rd अमेंडमेंट 1992. दिस इज रिलेटेड टू द पंचायत्स, जो हमने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पढ़ा था, पीस फॉर पंचायत्स. Then next is Schedule 12 and the last schedule of this list, and this is also added by the 74th Amendment 1992, and it is related to the municipalities. ठीक है, जो पंचायत के लिए विलेज लेवल पे था, दिस वॉज फॉर द अर्बन एरियाज एंड दिस इज कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटीज. इसमें 18 मैटर्स हैं, एंड मैटर्स लाइक अर्बन प्लानिंग, अर्बन पॉवर्टी, एलिवेशन एंड ऑल विच आर रिलेटेड टू द अर्बन एरियाज. ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि शेड्यूल 12 में क्या है, कौन से अमेंडमेंट है, ये मैटर्स तो कोई बात नहीं. Fine, hope you clear with all the schedules from 1 to 12. Now just see some questions. Okay, so here's the 6th schedule mentions provisions for the administration of tribal areas. Which of the following is not covered under this schedule? तो हमारी ATM machine आएगी इसमें. ठीक है, सो ATM machine के अंदर हमने पढ़ा था असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. मणिपुर इसका आंसर नहीं होगा. आपको ये नहीं समझ में आता, आप कुछ और कर लीजिए, इट्स नॉट एन इशू. Next question is, which of the following authority can disqualify the member of parliament under the 10th schedule? ठीक है, जब आप ये देखें तो पहले सबसे पहले चीज़ तो आपके अंदर जो क्लिक करनी चाहिए थी, दैट इज 10th schedule क्या है. ठीक है, वैसे अभी इतना न्यूज़ पढ़ते पढ़ते हम सबको वैसे भी याद हो गया होगा कि 10th शेड्यूल क्या है. इट इज़ रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ. फाइन, सो द ऑप्शंस आर दीज दैट प्रेसिडेंट, स्पीकर, गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर. तो कौन डिसाइड करेगा? सो आंसर इज स्पीकर. ओके, तो ये मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर कर दिया. सो होप यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई जस्ट होप कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक शेड्यूल्स के रिलेटेड काफ़ी डिटेल में क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस लेक्चर.